नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मैनपुरी के भोगांव में नेहरू युवा एवं युवती सेवा समिति के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन नगर के मदन इंटर कॉलेज में किया गया। 500 मीटर दौड़ में मिनी शाक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शनिवार को नेहरू युवा एवं युवती सेवा समिति के जिला समन्वयक रोहित शुक्ला के नेतृत्व में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं से प्रतियोगिता के नियमों का पालन कर अपने खेल के स्तर को ऊंचा उठाए जाने की अपील की। इस मौके पर आयोजित खो खो एवं कबड्डी में प्रेम प्रयाग विद्यालय की टीम ने जीता। बलिया के बांसडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा शिवरामपुर में असहाय महिला के घर में हुई 45,000 रुपए की चोरी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर 45,000 रुपए तथा गहने चुरा लिए। शिवरामपुर निवासी पीड़िता सरिता देवी पत्नी मुन्ना शर्मा का कहना है कि मैं खेत गई हुई थी और मेरे पति मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव में गए हुए थे। इसी बीच कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे घर में घुसकर मेरा 45,000 रुपया तथा गहने चुरा लिया। मैनपुरी के भोगांव के उपनगर आलीपुर खेड़ा में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य से टूट रहे प्रतिष्ठानों के मालिकों ने ठेकेदारों पर लगाया भेदभाव का आरोप। उपनगर अलीपुर खेड़ा में छाछा से संक्षा जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण किए जाने के लिए अवर अभियंता द्वारा सड़क के दोनों तरफ पेंट से प्रतिष्ठानों की दीवारों पर निशान लगवा दिए गए थे तथा लोगों के अनुसार दिसंबर माह तक का समय तोड़ने के लिए दिया गया था। दिसंबर माह से ही अलीपुर पट्टी में एक साइड से महाबली के द्वारा तोड़ना शुरू करके अलीपुर खेड़ा के बाजार में महाबली पहुँचा तो कुछ लोगों ने स्वयं ही तोड़ना शुरू कर दिया। इस समय सड़क तथा प्रतिष्ठानों के टूटने से मलबा सड़क पर बिखरा होने से राहगीरों का पैदल निकलना भी दूभर है। गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव निवासी रविंद्र गुप्ता 64 वर्ष की शनिवार की शाम आटा चक्की के पुलिया में फंसकर गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक करीब 3 बजे दोपहर में अपने आटा चक्की मिल में आटा पीस रहे थे तभी अचानक उनका हाथ पट्टे में फंस गया। साथ में उनके काम कर रहे पुत्र ने देखा तो मशीन को तुरंत बंद किया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मौत की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया। बिजनौर के कस्बा बड़ापुर में ठप पड़े विकास कार्यों और सर्दी में अलाव की व्यवस्था न किए जाने पर निर्धनों को कंबल वितरण किए जाने पर चेयरमैन व बड़े बाबू पर भ्रष्टाचार व सभासदों की अनदेखी किए जाने के गंभीर आरोप लगाकर सभासदों व कस्बे की जनता ने नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया और कस्बे में विरोध मार्च निकालकर साथ ही चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन नगर पंचायत कार्यालय से शुरू होकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देकर समाप्त हुआ। हिंदू युवा वाहिनी रुपई डीहा द्वारा कंबल वितरण समारोह व सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजदेव सिंह रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष के आने पर उन्होंने सर्वप्रथम मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात हिंदू युवा वाहिनी के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष राजदेव सिंह जी का स्वागत करते हुए जय श्री राम का उद्घोष करते हुए राजदेव सिंह का माल्यार्पण किया गया। बलिया के रसड़ा में बसंतम फाउंडेशन द्वारा संचालित मेध्या यौगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जुगनू हॉस्पिटल द्वारा हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित 7 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का समापन रविवार को एक गोष्ठी के रूप में किया गया जिसका शुभारंभ संस्थापक डॉक्टर JP वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को योग प्राणायाम अभ्यास कराने के उपरांत कहा कि योग आदर्श जीवन पद्धति का आधार है जिसका अभ्यास करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से सुखी स्वस्थ एवं कांतिमय बना सकता है। उन्होंने कहा कि योग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।